बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। कराची से अल्लाह हजरत जी का सेहत तंदुरुस्ती है। आमीन। एक मुझे इजाजत चाहिए, एक मेरा मसला है। इजाजत नहीं चाहिए कि आपने या मालिक मुल्क बताया था ऐसा कर रहे हैं कि हर तरह की मोताजी से पढ़ने के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, तो आप उसकी इजाजत मुझे दे दें ताकि मैं पढ़ा कर हर तरह की मोताजी से हमेशा महसूस रहूँ और बरकत की दुआ भी कीजिए। मेरा मसला ये कि मेरी शादी हेरा में हुई, तो फिर छोड़ने का कि अपनी बहन की मेरे बड़े भाई से शादी करा दो, तो उनके बड़े जो भाई थे वो पहले से बीवी को डिवोर्स दे चुके थे, के दबाव में आके मैंने बहन की शादी तो करवा दी लेकिन उसका घर नहीं बसा सकी। तो अब ये किसी का देवर है और ये तो ससुराली मेरे घर की दुश्मन बने, खासतौर पर मेरा गेट जो है वो मेरे घर, हालांकि हम सेपरेट रहते हैं, मेरे छोड़ के आपस में कोई लड़ाई नहीं, सुकून से रहते हैं, हमेशा मेरे घर का सुकून खराब करते हैं। तो आप ऐसा कुछ दें कि मेरा घर हमेशा उनके सर से महफूज रहे ससुरालियों के और मेरे गेट के आने से एक दफा दूर रहे, शुक्रिया। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। समीना कराची पाकिस्तान से कॉल कर रही है, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से कॉल आती है, हमें दोहरी खुशी होती है। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ज़ाहरी बातें तरक्कियों से उसको माला माल फरमाए। और बाकी आपने जो पहला सवाल किया, आपने किसी अमल की इजाज़त मांगी है, तो आवाज़ के अंदर कुछ ऐसे लर्जा था कि समझ में ज़्यादा आया नहीं, लेकिन जो आपने कोई सी अच्छी चीज़ की इजाज़त मांगी होगी तो बिल्कुल मैं उस अमल की इजाज़त देता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बायस बरकत बनाए। और बाकी जो दूसरा मसला उसके लिए नोट कर लें, सूरत कौसर मगरिब के बाद 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है आपने, और हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ़, उसमें मालूम नामालूम दुश्मनों का तस्वुर करके, ख़ास तौर पर जिन रिश्तों का आप जिक्र कर रही हैं उनका तस्वुर करके आपने ये पढ़ना है ताकि उनके शर से महफूज रहें, वो दफ़ा दूर हो जाएं और आपका घर जो है आबाद और शाद रहे और मियां बीवी की उल्फत मोहब्बत कायम रहे। तो ये आपने 41 टाइम पढ़ना है, पढ़ के अपने सीने पर दम करना है और हाथ उठा के दुआ कर लेनी है। तो ये जो है आपने 71 डेज़ के लिए से शुरू करना है, नागी के दिन आ जाए तो बाद में पूरे करने हैं, 71 डेज़ के ये निसाब पूरा कर लें, इंशाल्लाह हर तरह के हासदों और दुश्मनों से आप महफूज रहेंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।